हुण असीं रंगपुर दी हद तक पहुंच चुके हां। जे मेरी मन्नो तां तुसीं दोहें वी साडे नाल ही चलो। सैती ते साहिबा जी ने जो एहसान मेरे ते कीता ओह मैं कदे नहीं भुल सकदा। इन्हां ने मैनूं मेरी जिंदगी बख्शी है, पर इत्थों साडे राह वख ने। जे असीं चारों कट्ठे भज्जांगे तां ओह सानूं छेती फड़ सकदे ने, ते मैं नहीं चाहुंदा कि साडे करके कोई मुसीबत तुहाडे ते आवे। पर रांझिया, तुसीं इस जगह तों चंगी तरह वाकिफ नहीं हो, ते मैनूं डर है कि किते तुसीं राह दे विच भटक ही ना जावो। सैती सही कह रही है रांझिया, तुसीं साडे नाल ही चलो, क्योंकि कट्ठे निकलण च कोई दिक्कत नहीं है। जे असीं फड़े भी गए तां इत्थों थोड़ी दूर बलोच दीआं फौजां साडा इंतजार कर रहियां ने, ओह सानूं सही सलामत बलूचिस्तान पहुँचा देणगे, ते उत्थों तुहानूं दोहां नूं सही सलामत जंग पहुँचाया जा सकदा। पर सैती, जिद्दां ही रंगपुर च पता लगना अज्जू चौधरी नूं ते सैदे नूं कि असीं उत्थों चले गए हाँ, उन्हां ने सब तों पहलां जंग पहुँचना, ते उत्थे अब्बा जान तैयार ही नहीं होणगे उन्हां दा सामना करन लई। ते साडा बणदा है कि सब तों पहलां असीं जंग जाइए, ते उन्हां नूं सब कुछ सच सच दसीए, ओह तैयार रहण रंगपुर दे नाल लड़न लई। फिर सही कह रही है, इन्हां दोवां दा जंग पहुँचना भी तां जरूरी है ना। ठीक है, पर जे तुहानूं किसी भी चीज़ की जरूरत होवे तां बेझिझक हुक्म कर दिओ। बहुत बहुत शुक्रिया अमरा, पर मैं अल्लाह अगे दुआ करा कि इहो जी नौबत ही ना आवे। ठीक है सैती, आने वाले वधिया वक्त लई वधिया जिंदगी लई पहले ही मुबारक, अपना ध्यान रखो, ते तुहाडी दोवां दी नवी जिंदगी तुहानूं भी बहुत बहुत मुबारक। खुदा अल्लाह हाफिज। नहीं हो सकता, कदे भी नहीं हो सकता। रंगपुर दे खेड़िया दी इज्जत शान सब तबाह हो गई। हीर ने जो करतूत कीती है वो किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं हो सकती। ते उत्तों मेरी अपनी धी सैती ने साडी इज्जत मिट्टी च मिलाती। अज्जू मेरे यारा, हीर रांझा ते सैती नूं आपां बाद च वेख लांगे। सैदा गया है उन्हां दे पिछे, वो आप सामभ लूगा। एक गल वारी वारी मेरे दिमाग च आ रही, वो लोकी रंगपुर तो बाहर निकले ने, ते उन्हां दी मदद किने कीती है, क्योंकि किसी दी मदद दे बगैर वो रंगपुर तो बाहर नहीं निकल सकते। साफ साफ कह दो, तू कहना की चाहना। अज्जू मेरे यारा, मैं ही कहना चाहना, साडे विचों किसी ने गद्दारी साडे नाल कीती है। ये तू की कह रहा है? तेरे कहन दा ये मतलब है कि इस पिंड विच रणपुर दा किसी भी शख्स ने साडे नाल गद्दारी करने की कोशिश कीती? परिवार दे बाहर दा ही क्यों, परिवार दा भी तो कोई हो सकदा है जिन्हें साडे नाल गद्दारी कीती। या तो तू होश च, तेनू पता है तू की कह रहा है? हां कैदा चौधरी, जो खौफ तेरी अखा च नजर आ रहा है ना, वो किसी गद्दार दी अखा च ही नजर आंदा है। तेरे कहन दा की मतलब, साडे परिवार चो कोई गद्दार हो सकता? रंगपुर ते खेड़िया वालियां दे किसी भी शख्स दी अखा च इहो जिहा खौफ कदी नहीं देखण नूं मिलिया। ते तू तां फिर साडे परिवार दा हिस्सा भी नहीं। याद रहे कैदो चौधरी, शक दी पहली सुई तेरे वल जाऊगी। शक दी सुई ओही मेरे वल? ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਚਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। दिमाग ते जोर पा, अपने जोर पा सोच। हो सकता साना पहले तू कार ना मैनू अंजाम दिता होवे। याद आया रणपुर के परिवार के खिलाफ सब तो पहला साजिश रचने वाले ते तेरा नाम आंदा है, सब तो पहला तेरा। इस करके रणपुर परिवार के खिलाफ बोलन वालों के उत्ते उंगल चुकन तो पहला
अपनी पीढ़ी थले सोटा मार के देख। भाई जान मैनू लगता है कि हीर नू इस घर च व्याह के लैना साड़ी बहुत वड्डी गलती सी। ते हीर ने ते कदे रणपुर नू अपना समझिया ही नहीं। समझती भी किवें, वो तो उस रौंचे दे ते सदा साडा सद हुण ते उन्हें कदी शौर मंजूर किया। साडा सदा कदों हौली हौली साडे हत्थां चों निकलता गया सानू पता ही नहीं चला। मैं लगता है खोरे विच भी अल्लाह की कोई रजा ही होनी है। असि इन्हों सब गलों पिछे छड़ के अगे वधीए सैदे दूजे निकाह की तैयारी करिए। सैदे का दूजा निकाह तो होएगा ही होएगा, पर उस तो पहला मैं हीर ते रांझे दियां लाशां अपने पैरों के थले वेखना चाहना। तो यह मेरा अज्जू चौधरी का फैसला। आपां कुछ देर इत्थे आराम कर लेंगे, थोड़ी देर बाद ही इत्थों निकलांगे। जदों तक मेरा रांझा मेरे नाल है मैनू किसी चीज़ की फिक्र नहीं। इत्थों दूर होके तो रांझा भी मिट्टी के बराबर, इत्थों बिना मैनू अपनी जिंदगी भी बेगानी लगती सी। मैं दर दर भटकया पर तैनू मिलन की आस नहीं छड्डी। कर तोहफा दिता है रब ने सानू एक दूजे नाल मिला के, पर असी जो भी किया रंगपुर तो भज के आना ये सही है। इस समाज ने साढ़े सामने सवाल रखे सी, असी तो उन्हां दा जवाब दिता। लाड़े जिस वक्त मेरी छोटी अम्मी मेरी अम्मी छिंदो उस वक्त साहिबा सैती इन्होंने जो किया तो सब तो उपर जो कैदो ने किया कि वो सही सी? नहीं आप कुछ गलत नहीं किया। सब गलत सी ही पर कितने ऐसे भी असी गलत नहीं आ रांझा। साडा इश्क तो सानू ये हक दिंदा है कि असी सारिया दी गलतियां नू भुला दिए ते इश्क दी यही जी एक मिसाल कायम करिए जो सदियां तक याद रखन लोग। तो सही कह रही है। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾ ਕੇ ਰਾਂਝਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੇ? ਰਾਂਝਿਆ ਸੈਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਰਾਂਝਿਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ तेरी हीर दा सिर कलम हो जाएगा। सैदे तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू अगे वध रांझे आए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। सैदे सैदे मेरी गल सुन, ये वही हीर है जिन्हों तू दिलों जान तो मुहब्बत करदा। सैदे मैं कहना हीर नू छड़ दे, बेशक मेरी जान लैला पर हीर नू कुछ ना कह। किसे वक्त मैं वाकई हीर नू दिलों जान तो चाहुंदा सी पर हुण नहीं। मैं की नहीं कीता इहदे लई, पर इहने इहने मेरे जज्बातां नू ठोकर मारी है, मेरी मुहब्बत की बेअदबी कीती है इहने। की कसूर सी मेरा यही ते मैं दी खुशी चाहुंदा सी। चुप कर, खुशी चाहुंदा सी तू मेरी? तेनु चंगे तरीके सी कि मेरी खुशी बस मेरे रांझे च है। मैं मेरे रांझे दियां ते मेरी हर खुशी ओदे नाल जुड़ी है। बस बहुत हो गया, हुण मैं किसी दी कोई गल नहीं सुननी। तेनु तां मैं जानो मारांगा, इहदी मौत भी मेरे हथों होके रहेगी। किन्ने अरसे बाद मैं किसी नूं अपने दिल च जगह बनाउण दी कोशिश कीती सी। मैं सोच रहा सी कि सब गलत काम छड्ड देंगा ते अमन अमान दी जिंदगी जीवांगा, पर हीर ने जो मेरे नाल कीता उन्हें सिर्फ मेरे अंदर बदले ते नफरत दी भावना पैदा कर दित्ती है। इसे बदले दी अग ने तैनूं उन्ना करता। सैदे हीर नूं छड्ड दे, अल्लाह दे वास्ते छड्ड दे हीर नूं। तू जानता है तू किरे ते तलवार तानी,
मैं एक पल च तेरा सिर कलम कर सकता। ये मुल्तान की सरहद है जनाब, इतने सर कलम करन दा हक सिर्फ ते सिर्फ सुल्तान नू है, ते इत्थों दा हर फैसला सुल्तान ही करदे ने। तुहानू तिन्हां नू सुल्तान दे सामने पेश किया जाएगा, ते उही दसणगे किसदा सर कलम होएगा ते किसदा नहीं। सुल्तान मेरे अब्बा जान दे पुराने दोस्त ने, इत्थे सिर्फ ते सिर्फ इंसाफ होएगा। सुल्तान शुरू तो ही हक ते सच दा फैसला कर लई मशहूर ने, ते अज इत्थे भी सिर्फ ते सिर्फ इंसाफ होएगा। मैं तेरे जज्बातों नू समझ सकदा सद्या, तेरा गुस्सा ते तेरी नफरत बिल्कुल जायज, पर जिस रिश्ते विच तू हीर नू अपने नाल बन के रखे वो नाजायज। मैनू तो तेरे नाल हमदर्दी है, पर एक गल याद रख, हीर सिर्फ ते सिर्फ मेरी ते मेरी ही रहूगी। ते रही गल इंसाफ दी, मुझे तू सुल्तान ते छड़ दे ताई ठीक रहूगा। सुल्तान की तबीयत अज ठीक नहीं है, उन्होंने गैर मौजूदगी मैं उन्होंने वड्डा पुत्र ते मुल्तान का होने वाला सुल्तान ते मेरी बेगम परवीन अज सियासत संभाली। सुल्तान यह तीनों मुल्तान की सरहद से लड़ रहे थी, ते यह जनाब अपने आप इस मुहतरमा का शौहर दस दिन, तो इन्हों ते तलवार लाई खड़े से। सारे मसले नू देखते हुए मैं इन्हों इतने दरबार से ले आया। सुल्तान जी इजाजत हो मैं तुहानू कुछ कहना चाहना। तुहाड़ी बेगम साहिबा मेरी बेगम हीर दी चचेरी भैन लगती है, वैसे मैनू तुहाडे इंसाफ के फैसले से बिल्कुल भी शक नहीं है, पर रिश्ते कई बार इंसाफ के राह रुकावट बन जाते हैं, तो मैं चाहता हाँ ये तेरा रंगपुर खेड़ा नहीं है सद्या, ये साडा मुल्तान है, इत्थे फैसला उही हुंदा है जो असीं चाहते हैं। मैं चंगी तरह जानदा तैनू भी ते तेरे अबू अज्जू चौधरी नू भी, तू जो कहना चाह रहा है मैनू पहला तो ही पता, नवाब बेगम मैनू सब कुछ पहला ही ब्याह कर चुकी है। इसलिए इस दरबार में नवाब बेगम सिर्फ एक दरबारी वांगू अपनी राय पेश कर सकती है, पर फैसला लैण दा हक वो सिर्फ मेरा। मैनू मुल्तान ते सुल्तान ते अपने शोहर दे इंसाफ ते पूरा यकीन है। एक मर्द होने के बावजूद एक औरत ते तलवार तो नहीं खड़ा सी, इस करके पहला हक तेरा बनता है कि तू अपना बयान पेश करे। हीर नाल धोखे नाल मेरा विआह करवाया गया, सच्चाई यह है कि हीर ने अज तक मैनू अपना शोहर मनिया ही नहीं, तो ना ही शोहर का कोई हक दिता है। मैं हमेशा हीर की हर खुशी का ख्याल रखा, की नहीं किया मैं ये लिए, पर इन्हें हीर ने मेरी ते मेरे पूरे परिवार की आन बाण शान मिट्टी च रोल के रख दी। मेरी भैन सहती नू उस बलोची मुराद नाल भजा दिता, ते साडी इज्जत रोल के ते जोगी नाल भज के इत्थे आ गई। एकी गुस्ताखी है, तो नजर नहीं आ रहा दरबार में कार्रवाई चल रही है। गुस्ताखी माफ जापना, पर यह स्नेहा नवाब ने भिजवाया है, तो वह चाहते हैं कि यह खबर छेती तो छेती तुहाडे तक पहुँचा दी जाए। आलमपना नवाब का स्नेहा लेके एक बलोची आया है, उसका कहना है कि खेड़िया की धी सहती नवाब के पुत्र मुराद नूं बेपना मुहब्बत करती है, तो बलोचिस्तान के नवाब के नाल सही सलामते। खेड़िया ने उन्होंने काबू करने की कोशिश की, उन्होंने हमला करने की गुस्ताखी की, जिसकी सज़ा बलोचिया ने उन्होंने जानों मार के दे दी। लो जनाब तेरा एक मसला तो पूरा हो गया, बाकी रही गल रांझे नूं सज़ा देन दी ते हीर नूं तेरे नाल वापस रंगपुर भेजन दी, तो उहदा फैसला मैं उहनां दोनों के बयान सुनने तो बाद ही देवांगा। सुल्तान मैनूं माफ करना, पर मैं इहदे नाल रंगपुर वापस नहीं जा सकती। की परेशानी है, तेरे शौहर दा कहना नहीं, नहीं, इस सदा मेरा शौहर नहीं आ, मैं कदे इहनूं अपना शौहर मन्निया ही नहीं। बेगम अज हीर दी बहुत याद आ रही है, अपनी लाडली दा मुख वेखे होए किन्ना ही चिर हो गया,
सही कह रहे हो शाह जी, मेरा मन भी अपनी लाडली धी मिलने लिए तड़फ रहा। हीर भावें साढ़े नाल नाराज है पर है तो साड़ी लाडली धी ना, होवे ना होवे हीर भी तो सानू जरूर याद करती होगी ना। लो भाई, लो भाभी जान। हाँ भाई जान, गल तो सही है भाभी जान दी, जी तो मेरा भी बड़ा करता हीर नू मिलन नू। ते क्यों ना फिर आपां इंज करिए कि तुसी हीर कोल हो आओ, क्योंकि इत्थे बह के अपने मन नू इदां दुखी करना ना कोई फायदा नहीं है। बंतो सही कह रही है शाह जी, क्यों ना मैं ते बंतो भी तुहाडे नाल जाके हीर नू मिलाइए। मैनू लगता सानू इन्नी काहली नहीं करनी चाहिए है। मैनू चंगी तरह याद है जद हीर पिछली वारी चंग आई सी ते उन्ने मैनू मिलना ते हवेली तक आना भी चंगा नहीं समझिया सी, नाले ओ तुहानू दोवां नू मिलके भी ज़्यादा खुश नहीं सी। हीर हले भी साढ़े तो नाराज़ ही है, ओदे दिल दे जख्म हजे तक भरे नहीं। ते एक गल होर, रंगपुर तो इन्ने चिर तो कोई सुनेहा भी नहीं आया, जो कि चंगी गल है। इहदा मतलब हीर उत्थे ठीक ठाक होएगी, सानू फिकर नहीं करनी चाहीदी। ना भाई जान, मेरा दिल नहीं मनदा, मैं हुण किसे मंदभागी खबर दी उड़ीक तां नहीं कर सकदी अपनी हीर नू मिलन वास्ते। की मतलब है तेरा बंतो? मतलब भाई जान, पता नहीं क्यों मेरा चित बड़ा घबरा रहा है, मेरा मन बड़ा ही उदास हो रहा है अपनी लाडली धी नू मिलन ते। मैनू इंज लग रहा है जिवें ना कुछ गलत होने वाला है। भाई जान, एक बारी तुसी जाके उन्हूं वेख आओ ना। बहुत जरूरी है, मेरी जिंदगी तो भी ज्यादा जरूरी है। बोल छिंदो, की कहना चाहनी है? छाड़ी जी, जिन्नी जिन्नी शक्ति हो सकती हीर बीबी नू अपने कोल सुल्तान दे दरबार कहते बहुत बहुत गंदी चाल चल रही है। हीर बीबी नू थोड़ी सारा भी बड़ी लोड़ है। कली बस की शारे जी भाजी थोड़े परिवार कला कहते हैं जिन्हें कदम कदम से साढ़े परिवार ने तैस तैस कर शाहजी शाहजी तुम नहीं जानते साल पहला साढ़े पे साहबादे बेच पोत पड़ वाला भी कदो या शाहजी शाहजी गुजरे रहा थे वापस नहीं आ सकता पर प्लीज प्लीज शाड़ी जी अपनी धी का बेड़ा संभालो। छोटी साड़ी जी तेरे शादी का कत्ल भी क्या जी छिंदो तू फिकर ना कर, तेनु कुछ नहीं होंदा। फिर बीबी को बचा लो। फिकर ना कर छिंदो, तू फिकर ना कर। शाह जी तू ही उस वेले ते कुछ नहीं कर सके पर तुहाडी धी नू ਸਾਡੀ ਤੇਰੂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਸ਼ਾਸ਼ੀ। ਹਾਂ ਸਿੰਦੋ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਣੀ ਜੀ ਹੀਰ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਿੰਦੋ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। अपनी दासी नू बड़ा प्यार शाजी, तादी धी नू तादी बड़ी लोड़ है शाड़ी शाड़ी जी। नहीं नहीं जिंदो, तेनू मैं कुछ नहीं होने देना, तू फिकर ना कर, मैं आप जाके हकीम साहब नू लेके आनी हां। हां जी
ਕਰੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਖਰੀ ਪਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਚੰਦੋ ਬੋਲ ਚੰਦੋ ਜੋਤੀ ਬੋਲ ਚੰਦੋ ਆਖਿਰਲੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਸ਼ਾਣੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਇਸ ਗਿਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਖੀਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਖੀਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਬੜੀ ਪਾਕ ਦੇ ਲੈ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਹਾ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 ਹ